हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज। आज मेरे पास हीरो होंडा पैशन प्रो बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम इंडिकेटर की है। चाबी को मैं ऑन करता हूं और पहले इंडिकेटर चालू करके दिखाता हूं। ये मैंने राइड का चालू किया तो ये राइड का चालू तो हो गया, लेकिन ये बिलिंग करना चाहिए, है ना, जलना और बुझना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। लेफ्ट का चालू कर रहा हूँ तो वही सेम जल रहा है लेकिन ब्लिंक नहीं कर रहा है। पीछे का दिखा देता हूँ मैं, पीछे के भी चालू है लेकिन इंडिकेटर ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो यही समस्या इस बाइक में। चलो इस समस्या को समझते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम होती कहाँ से है। तो ये हमको राइट साइड का पैनल खोल लेना है, जो मैं खोल के रखा हुआ हूँ। अब ये जो चार्जर लगा हुआ है, ये होता है बैटरी चार्जर। ये बैटरी चार्जर के पीछे जो है हमारा फ्लैशर और बजर, ये दोनों चीज़ लगा होता है। तो हमको चार्जर बैटरी का जो लगा हुआ है ये, इसे खोलना पड़ेगा। इसे खोल लेना है, 10 नंबर का पाना लगता है इसमें, खोल लेना है, निकल जाएगा। अब इसके जस्ट पीछे आप लोग देखोगे तो ये लगा हुआ है बजर और फ्लैशर, इसी से हमारा जो इंडिकेटर है वो फ्लैश करता है। और ये जो लगा हुआ है ये हमारा इंडिकेटर का बीप है, मतलब जब हम इंडिकेटर चालू करते हैं तो एक बीप जैसा साउंड सुना आता है, वो इससे आता है। ये फ्लैशर है। अगर ये फ्लैशर खराब हो जाता है, कभी कभी देखो इंडिकेटर चालू ही नहीं होते, चारों बंद हो जाते हैं, तब यहीं से प्रॉब्लम होती है। और इंडिकेटर ब्लिंक नहीं करता, चालू होता है तो भी इसी से प्रॉब्लम होती है। तो दोनों काम इसी से होता है, बंद है, नहीं चालू हो रहा कोई भी इंडिकेटर, तो इसे ज़रूर चेक कर लेना। और अगर ब्लिंक नहीं कर रहा इंडिकेटर तो भी इसे ही चेक करना। चलो ये इंडिकेटर, ये जो फ्लैशर है मैं नया लेके आता हूँ, नया लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने जैसे कि इंडिकेटर फ्लैशर को हटा दिया है, अब इंडिकेटर चालू करूंगा तो कोई भी इंडिकेटर नहीं चालू होगा, नहीं चालू हो रहा क्योंकि हमने इंडिकेटर का फ्लैशर जो है निकाल लिया है। अब ये अगर खराब हो जाता है तो भी इंडिकेटर नहीं चालू होते हैं, ये लगा रहता है और इंडिकेटर नहीं चल रहे हैं। ये खराब हो जाता है तब इंडिकेटर नहीं चलते हैं, और अगर फ्लैश नहीं कर रहा है तो भी इसी से प्रॉब्लम होती है। नया फ्लैशर लगाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इसमें लगा के। तो चलो ये रहा फ्लैशर, इसे खोलते हैं, निकालते हैं बाहर। ये है इंडिकेटर फ्लैशर, जिससे इंडिकेटर चलता भी है और इंडिकेटर ब्लिंक भी करता है। और साथ ही साथ हमको लगाना है इसमें एक ट्यूनर, जिसको बजर बोलते हैं। इंडिकेटर चालू करते हैं तो एक बीप जैसा साउंड आता है, वो इससे आता है। तो ये भी लगाना है, ये भी मैं बताऊँगा किस तरीके से लगाना है। और ये है फ्लैशर, तो सबसे पहले हम फ्लैशर को लगा लेते हैं, यहाँ पे अटैच करते हैं, ये बस दबा देना। अब इंडिकेटर चालू करके देखता हूँ, पहले इसे बाद में लगाऊंगा, पहले इंडिकेटर देखता हूँ बिलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ चेक कर लेते हैं। चलो एक इंडिकेटर चालू करते हैं, राइट का ही चला लेते हैं। ये देखो बिलिंग करना चालू हो गया, जैसे ही हमने फ्लैशर बदला ब्लिंक करना चालू हो गई, ये भी लाइट ब्लिंक करना चालू हो गई। अब इसे लेफ्ट का दिखा देता हूँ मैं एक बार आप लोगों को, तो लेफ्ट का भी ये देखो ब्लिंक कर रहा है। अभी प्रॉब्लम जो थी ब्लिंक नहीं करने की, वो थी फ्लैशर से, फ्लैशर हमने चेंज कर दिया, ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है। अब हमको इसमें जो है लगाना है बजर, ताकि बीप जैसा साउंड है जब इंडिकेटर चालू करें तो एक आवाज़ जो आती है वो आवाज़ आए। अगर ख़राब है तो इसे चेंज कर दो, ब्लिंक नहीं कर रहा है तो भी इसे ही चेंज करना। अगर इंडिकेटर कोई नहीं जल रहे हैं तब भी इसी से प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। इंडिकेटर नहीं चल रहे हैं कोई भी, चारों बंद इंडिकेटर, तो इसे एक बार चेक कर लेना दूसरा लगा के। अब ये है क्या बोलते हैं इसे, बजर। बजर को लगाना कैसे अब आप लोग समझ लो। इससे पहले हम छील लेते हैं दोनों वायर को, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसे मैं घुमा देता हूँ इस तरीके से। इसमें भी जो है उल्टा सीधा लगाना होता है। चलो मैं इसे दोनों वायर को इस तरीके से कर लेता हूँ और अब इसे लगाएंगे। पहले फ्लैशर को साइड में रखेंगे, पहले एक इंडिकेटर चालू करेंगे, चाबी को ऑन करेंगे, एक साइड का इंडिकेटर चालू कर देना है, बस चालू करके छोड़ देना है, ये समझ लो हमारा चालू है। अब इन दोनों वायर को इन दोनों में टच करना है, बज किस में रहा है, मतलब बीप जैसा साउंड आ किस में रहा है, दोनों में लगा के देखना है। इसमें अब साउंड आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वायर उल्टी लग जाती है तो नहीं बजेगा,
ये देखो, ये चीज चेक कर लेना पहले कौन से वाले में बज रहा है। इसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इसे इसमें बज रहा है। अगर ना चालू हो तो वायर अल्टी पल्टी कर देना। अब इसी के ऊपर को फ्लैशर लगा देना है। ये मैंने लगाया, ट्यूनिंग स्टार्ट हो गई। जब तक फ्लैशर नहीं लगेगा जब तक बीप जो है एक ही जैसा बजेगा। तो बंद कर देते हैं, बिलिंग भी कर रहा है और बीप भी बज रहा है, मतलब बजर भी चालू है। इससे पता चल जाता है कि हमारा इंडिकेटर चालू है। इसे कर देते हैं कंप्लीट फिटिंग। जो चार्जर वगैरह हमने खोला था वो लगा देते हैं। मैंने आप लोगों को इंडिकेटर की जानकारी पूरी दे दी वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ। बाइक को करते हैं कंप्लीट, देते हैं कस्टमर को, वीडियो को एंड करते हैं।